नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टोटल ज्ञान में। दोस्तों, अगर आप अमीर बनना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपके पास में बहुत सारी धन दौलत आ जाए और आप अपनी गरीबी से पीछा छुड़वाना चाहते हैं, तो दोस्तों आचार्य चाणक्य जी ने हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार कहा है कि जो लोग यह काम करेंगे वो जीवन में हमेशा अमीर रहेंगे। चाणक्य जी ने हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार किस काम को करने को कहा है, इसके बारे में जानने के लिए आप यह आज का वीडियो आखिर तक जरूर देखते रहें। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दें। आप हमारे चैनल टोटल ज्ञान पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको हमारे चैनल के माध्यम से ऐसा ही ज्ञान सबसे पहले प्राप्त हो सके। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में बहुत सारा धन आ जाए, आपकी हर मनोकामना पूरी हो, तो दोस्तों भगवान श्री कृष्ण आपकी हर मनोकामना पूरी करेंगे। भगवान श्री कृष्ण को प्यार करने वाले कमेंट बॉक्स में राधे राधे अवश्य लिख दें। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आज के जीवन में पैसे के बिना जीवन की कल्पना करना नामुमकिन है। हर इंसान चाहता है कि उसके घर में मां लक्ष्मी का आगमन हो, मां लक्ष्मी धन और धान से घर को भरे रखे। लेकिन दोस्तों, आजकल की भाग दौड़ भरी जिंदगी में पैसा कमाना बहुत मुश्किल हो चुका है। जो लोग इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में पैसा कमा भी लेते हैं तो उसके पैसे में बरकत नहीं होती और पैसा व्यर्थ में फिजूल खर्च हो जाता है। तो दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि आपका पैसा फिजूल खर्ची में ना जाए, आपके घर में धन एकत्रित हो जाए और आप धन कमाना चाहते हैं, तो दोस्तों आचार्य चाणक्य जी ने कहा है कि औरत घर का एक ऐसा श्रृंगार है जो आपको गरीबी से बाहर निकालने का काम करेगी। हिंदू धर्म शास्त्रों में औरत को देवी का रूप समझा जाता है। कहते हैं कि जिस घर में चरित्रवान औरत आ जाती है वो घर अमीर बन जाता है, वो घर कलंकित होने से बच जाता है, वो घर ऐशो आराम में अपनी जिंदगी व्यतीत करता है। तो दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं औरत के एक ऐसे अंग के बारे में जो देवीय शक्तियों से भरपूर है, औरत की नाभि। वैसे तो औरत का हर अंग पवित्र होता है। कहते हैं कि औरत की नाभि के अंदर से कुछ देवीय शक्तियों का स्वरूप निकलता है। रात्रि के समय में औरत की नाभि के अंदर सरसों के तेल की दो बूंदें डाल दी जाए तो समझ लीजिए कि आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा आना शुरू हो चुकी है, आपके घर में नकारात्मकता समाप्त हो जाएगी, आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा आएगी और आपके घर से गरीबी निकलने लगेगी। और इसके बाद दोस्तों कहते हैं कि जो लोग सुबह के समय उठते ही अपनी मां या अपनी दादी, यानी कि औरत हो और अपने से बड़ी हो, चाहे आपकी बहन हो या भाभी, आप उसके चरण स्पर्श करते हैं तो माता रानी आपके ऊपर मेहरबान हो जाएगी, क्योंकि अपने से बड़ी उम्र की औरत के पांव छूना साक्षात लक्ष्मी के पांव छूना होता है। इसलिए अगर आप इस उपाय को करते हैं और सुबह के समय आप ये काम करते हैं तो आपको अमीर होने से कोई नहीं रोक सकता, आपके घर की गरीबी समाप्त हो जाएगी, आप अमीर बनोगे और आप एक अच्छी जिंदगी व्यतीत करना शुरू कर दोगे। तो दोस्तों, अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आप ये काम जरूर कीजिएगा। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि औरत के पांव छूने वाला इंसान जीवन में कभी भी गरीब नहीं होता और उसे जीवन में हमेशा तरक्की के रास्ते खुलते हैं। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारे चैनल के माध्यम से ऐसा ही ज्ञान सबसे पहले प्राप्त हो सके।